श्री महाराज की जय, श्री श्री बाबा महाराज की जय, श्री राधा मन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रास बिहारी लाल की जय, श्री गहवरवन धाम की जय, श्री बरसाना धाम की सभी संत भक्तों की जय, श्री गौ माता की जय, श्री यमुना महारानी की जय, जय श्री राधे। दो मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय कृष्ण भानु दुलारी लाडली श्री राधे, 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 लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, जय जय गहवर वनवारी लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, जय जय गहवर वनवारी लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पतित पवन तेरा रहो पतित पावन तेरा नाम लाडली श्री राधे, जय जय कृष्ण भानु दुलारी लाडली, लाडली श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, सभी लोग गाइए, जय राधे राधे, हरि बोल, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे,
राधे 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 श्री राधा माधव युगल सरकार की परम कृपा से बड़ी सफलता के साथ ये आयोजन अपनी पूर्णता की ओर है। 7 दिन पर्यंत हम सभी ने श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से श्री ठाकुर जी की रसमयी चर्चा का रसपान किया। आज पूर्णाहुति है, विश्राम दिवस है, इसलिए अब जो भी शेष चर्चा है उसका सूक्ष्म रूप में हम सभी लोग श्रवण करेंगे। कल रुक्मिणी विवाह महोत्सव तक कथा का श्रवण आनंद हम सब ने प्राप्त किया और बिल्कुल विवाह महोत्सव की तरह ही बड़े धूमधाम से उसका आनंद हम सभी ने लिया। आगे के कथा के क्रम में श्री ठाकुर जी की 8 पटरानियां रुक्मिणी जी, जामवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, मित्रविंदा, कालिंदी और लक्ष्मणा, ये 8 भगवान की पटरानियां थीं। भूमिपुत्र भौमासुर का वध करके भगवान ने 16,100 राजकन्याओं के साथ पाणिग्रहण किया। इस तरह से उनकी 16,108 रानियां हुईं। सभी के साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए समय समय पर भगवान ने सबको उचित शिक्षा दी है। लोक आदर्श के लिए गृहस्थ धर्म का निर्वाह किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, एक बार श्री ठाकुर जी के एक पुत्र जिनका नाम सांब था, ये अनेकानेक यदुवंश के बालकों के साथ एक उपवन में खेलने के लिए गए। प्यास लगने पर एक कुआ दिखाई पड़ा और उस कुएं में उनको विशाल एक गिरगिट जीव दिखाई पड़ा, बहुत बड़ा। बालकों के लिए तो वो खेल जैसा हो गया, उसे बार बार निकालने की कोशिश करते नहीं निकल पाता। तो श्री ठाकुर जी का स्मरण किया, भगवान ने जैसे उसका अपने बाएं हाथ से स्पर्श किया वो एक दिव्य देव रूप में खड़ा हो गया। अब देखो भगवान सब जानते हैं, वो सर्वांतर्यामी है, फिर भी लोक शिक्षा के लिए अनजान बन के पूछ रहे हैं, भाई तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है, ऐसा क्या तुमने किया जो तुम्हें गिरगिट योनि का कष्ट भोगना पड़ा। तब उसने अपना परिचय दिया, भगवान आप जानते हुए भी पूछ रहे हैं तो सुनिए। मृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो, मैं महाराज इक्ष्वाकु का बेटा हूं, मेरा नाम मृग है,
और दानिश्वक्षायमायेषु यदिति कर्णम् अस्पृशम्। अगर आपने मेरा नाम सुना हो तो दानियों में मेरा बड़ा नाम है। तो भाई ऐसा क्या तुमने दान कर दिया? तो राजा नृग बोले, पृथ्वी के धूल कणों को भले ही कोई गिन ले, आकाश के तारों को भले ही कोई गिन ले, वर्षा की बूंदों को चाहे कोई गिन ले, पर मैंने जितनी गायों का दान किया था उन्हें कोई गिन नहीं सकता है। असंख्य गौदान किया, तो इतना असंख्य गौदान करने के बाद भी तुम गिरगिट बन गए क्यों? बोले, एक भक्त अपराध मेरे से हो गया। संसार के सभी शुभ कर्म पुण्य कर्म एक ओर और एक वैष्णव अपराध एक ओर, इसलिए भक्त अपराध बहुत प्रचंड अपराध, बहुत प्रबल अपराध। चाहे तुम जितना बड़े से बड़ा साधन करो, चाहे जितना बड़े से बड़ा सत्कर्म शुभ कर्म करो, पर यदि किसी वैष्णव का अपराध किया, किसी भक्त का अपराध किया, तो वो अपराध से वो सत्कर्म शुभ कर्म हमें बचा नहीं पाएंगे। छह प्रकार से भक्ता अपराध होता है। हंती, किसी को भक्त को मारना भक्ता अपराध है। निंदती, उसकी निंदा करना बुराई करना भक्ता अपराध है। वैद्वेष्टि, भक्त से द्वेष करना भक्ता अपराध है। वैष्णवान नाभिनंदती, कोई वैष्णव आए और उठकर हमने उनका अभिनंदन नहीं किया, वैष्णव अपराध लग जाएगा। क्रुध्यते, उन पर क्रोध करना, और याति नो हर्षम, उनके आने से मन प्रसन्न न होना। कई बार फॉर्मेलिटी की दृष्टि से हम लोग आइए बैठिए क्या सेवा करें ये सब बातें तो बना देते हैं, पर यदि मन प्रसन्न नहीं होगा तो ऊपर की बातें हमें भक्ता अपराध से बचा नहीं पाएंगे, भक्ता अपराध लगेगा ही लगेगा। वैष्णवों के आने से मन प्रसन्न होना चाहिए, मन प्रफुल्लित प्रमुदित होना चाहिए। ये छह प्रकार से भक्ता अपराध हम लोग करते हैं, और यदि हम लोग अपनी दिनचर्या में देखें तो सुबह से संध्या तक सिवाय भक्ता अपराध के हम कुछ नहीं करते हैं। फिर हम सोचते हैं 10 साल से मंदिर आ रहे हैं, 50 साल से माला कर रहे हैं, ये पाठ कर रहे हैं, मीरा जी के साथ खेलते थे, सूरदास जी को अनुभव में आते थे, हमें क्यों नहीं भगवान अनुभव में आते? अरे अनुभव में क्या खा खाएंगे हम लोग? कितना सा साधन करते हैं और कितनी मात्रा में अपराध करते हैं ये कभी सोचा? सुबह से रात्रि पर्यंत अपराध के सिवाय करते क्या हैं? और ध्यान रखें, वैष्णव भक्त कोई किसी लोक से नहीं आएंगे उतर के कि भाई स्वर्ग से आएंगे, किसी ब्रह्मलोक से उतर के आएंगे। आपस में सभी वैष्णव हैं, सभी भक्त हैं। किसी से द्रोह करना, किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना, किसी के आने से मन का प्रसन्न न होना, ये सब बातें, छोटी छोटी बातें हमें प्रचंड प्रचंड अपराध लगा देती हैं, प्रबल अपराध से ग्रस्त कर देती हैं। स्वयं भगवान कह रहे हैं राजा नृग को, राजा नृग से एक भक्त अपराध हुआ और वो भी जानबूझ के नहीं, अनजान में हो गया था। एक ब्राह्मण की गाय उन्होंने गलती से किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। अब उन दोनों में परस्पर झगड़ा हो गया, वो कहे मेरी है, वो कहे मेरी है। तो वास्तव में जिसकी गाय थी उसको राजा ने कहा, भाई इसके बदले में आप 1 लाख गाय ले लो, पर जो दे चुका हूं उसको वापस कैसे लूं उस वस्तु को? उन ब्राह्मण का नियम था कि वो किसी से दान नहीं लेते थे। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो मेरी गाय चाहिए। तो जिस समय वो न्याय के लिए राजा के पास गए थे तो राजा 3 दिन तक उनसे मिले नहीं, जबकि हमारे वैष्णव शास्त्रों में लिखा है, वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। एक वैष्णव यदि दूसरे वैष्णव को देखता है तो उसको तुरंत भूमि में दंडवत साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, परस्पर में कभी भी मिलो तो परस्पर में एक दूसरे भक्त का अभिवादन जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं मुंह फेर के चले गए, देखते हुए भी नजरअंदाज करके चले गए। छोटी छोटी बातें हैं जो अपराध लगा देती हैं। परस्पर में मिलते हैं, जय श्री कृष्ण है, जय श्री राधे है, राधे राधे, जो भी अच्छा लगे वो लिया करो। इससे क्या है, सहज में
नाम दान हो जाता है, भगवान नाम का दान हो जाता है सहज में, और भक्तापराध से हम बच जाते हैं, परस्पर सौहार्द बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ता है। और प्रयास करना चाहिए अपनी संस्कृति को पकड़ के रखो। ये हाय हाय करने वाले तो फिर हाय हाय में ही रह जाते हैं, ये हाय हेलो की जगह अपना जय श्री कृष्णा है, जय श्री राधे है, ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करो, तो सहज में भगवान नाम दान करने का इतना बड़ा लाभ मिल जाएगा। संसार के जितने दान हैं वो सब चीजें, पैसा है, अन्न है, वस्त्र है, धन है, भूमि है, स्वर्ण है, ये सब तो नष्ट होने वाली चीजें हैं, इनको लेने वाले भी नष्ट होंगे, देने वाले भी नष्ट होंगे, वो वस्तुएं अपने आप में नष्ट होने वाली हैं। ऐसी वस्तु का दान करो जो अविनाशी है, उसको लेने वाला भी अमर, देने वाला भी अमर, वो केवल ठाकुर जी का नाम है, केवल भगवान नाम दान। परस्पर में जब भी मिलो भगवान नाम लो, आपस में जब भी मिलो ठाकुर जी का नाम, सहज में नाम दान हो जाएगा, सहज में। तो स्वयं यहां भगवान कहे हैं कि वैष्णव का अपराध यदि जान के नहीं अनजान में भी हो जाएगा तो भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। रूप गोस्वामी जी महाराज थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद। एक बार जंगल में बैठ के नेत्र बंद करके ठाकुर जी श्री जी की युगल सरकार की लीलाओं में ध्यान में मग्न थे। तो रूप गोस्वामी जी लीला देख रहे थे कि राधा रानी श्याम सुंदर के साथ किसी वाटिका में, किसी उपवन में पुष्प चयन करने के लिए गई हैं। तो राधा रानी बार बार श्याम सुंदर को इशारा करती, मुझे वो फूल चाहिए, वो पुष्प चाहिए, वो बहुत सुंदर है। तो वो जो कहती वही पुष्प ला के देती। एक पुष्प थोड़ा ऊंचा लगा था डाली पे। श्री जी बोली ना वही फूल चाहिए और दूसरा नहीं चाहिए। तो श्याम सुंदर बोले ठीक है हम डाली झुकाएंगे, आप तोड़ लेना। तो उन्होंने डाली झुकाई और राधा रानी ने डाली को पकड़ा। उसी समय श्याम सुंदर ने विनोद किया, डाली को छोड़ दिया, और डाली छोड़ी तो राधा रानी डाली पकड़ के लटक गई। तो रूप गोस्वामी जी ये लीला देख रहे थे, लीला देखते देखते उनको हंसी आ गई। आंख बंद है, अब जिस समय रूप गोस्वामी जी हंसे उसी समय वहां से सामने से एक भक्त जा रहे थे जो लंगड़े थे, पंगु वैष्णव थे। उन वैष्णव को लगा कि रूप गोस्वामी जी मेरे ऊपर हंस रहे हैं, जबकि रूप गोस्वामी जी तो लीला में हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कौन जा रहा है कौन आ रहा है। उन वैष्णव का मन दुखी हो गया कि जब रूप गोस्वामी जी जैसे इतने बड़े महापुरुष मेरे लंगड़ेपन पे हंस रहे हैं तो साधारण लोग क्यों नहीं हंसेंगे। तो उन वैष्णव को मन में दुख हुआ और रूप गोस्वामी जी को लीला दर्शन बंद हो गया। अब रूप गोस्वामी जी ने जान के अपराध नहीं किया था, अपराध कब हो गया उन्हें यह भी नहीं पता चला, पर भक्त अपराध इतना प्रबल अपराध है कि साक्षात लीला दर्शन हो रहा था, लीला दर्शन बंद हो गया रूप गोस्वामी जी को। अब बड़े छटपट आए, दौड़ के गए अपने बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी जी के पास, भैया ऐसे ऐसे लीला का दर्शन हो रहा था, अचानक लीला बंद हो गई। सनातन गोस्वामी जी ने कहा तुमसे कोई भक्त का अपराध तो नहीं हो गया। बोले मैं तो सुबह से किसी भक्त से वैष्णव से मिला ही नहीं हूं। सनातन गोस्वामी जी बोले रूप कई बार बिना मिले भी जान अनजान में अपराध हो जाता है, तो फिर कैसे छूटे इस अपराध से। बोले भक्त का अपराध भक्त की सेवा से ही नष्ट होता है। वृंदावन के, ब्रजभूमि के जितने भक्त हैं, जितने संत वैष्णव हैं, उन सब का भंडारा करो, उन सबको भोजन कराओ और सबके चरणों में गिर गिर के क्षमा मांगो कि यदि मेरे से जान अनजान में किसी भी भक्त का अपराध हो गया है तो आप मुझे क्षमा करें। तो रूप गोस्वामी जी ने वैसा ही किया, रोज भक्त आते, रोज उनके चरणों में गिर के क्षमा करते। एक दिन उस पंगत में वो वैष्णव भी आ गए जो लंगड़े थे। तो रूप गोस्वामी जी सबसे चरणों में गिर गिर के क्षमा मांग रहे थे, मेरे से अपराध हुआ हो तो क्षमा करना, क्षमा करना। वो वैष्णव खड़े हो गए, अच्छा रूप गोस्वामी जी उस दिन तो हमारे लंगड़ेपन पे हंस रहे थे, आज क्षमा मांग रहे हो। रूप गोस्वामी जी समझ गए जरूर इनका ही अपराध मेरे से हुआ है। रूप गोस्वामी जी बोले हे वैष्णव जन,
आपका अपराध मेरे से कब हुआ था? बोले उस दिन जब तुम वहां उस वन में बैठे थे, आंख बंद किए थे और मैं निकला तो तुम मेरे लंगड़ेपन पे हंस रहे थे। रूप गोस्वामी जी समझ गए कि मेरे से अनजान में अपराध हुआ है। हंस तो मैं लीला दर्शन में रहा था, पर इनको लगा मैं इनके ऊपर हंस रहा हूँ। रूप गोस्वामी जी क्या बताते उनको कि मैं क्यों हंस रहा था। बस चरणों में गिर के क्षमा मांग ली कि हे वैष्णव भगवान, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ। यदि मैं आपके ऊपर हंसा हूँ तो आप मुझे क्षमा कर दें, मेरे पीछे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। वो प्रसन्न हो गए और उसके बाद रूप गोस्वामी जी को फिर से लीला दर्शन आरंभ हो गया। तो कहने का आशय, जान अनजान में हुआ अपराध भी जीव को भोगना पड़ता है, निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जब अनजान में हुआ अपराध भी भोगना पड़ता है तो हम दिन भर में जितने अपराध जान के करते हैं उन अपराधों से कैसे बच पाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, ज्ञात अज्ञात में कभी किसी भक्त का अपराध ना हो पाए। प्रायः हम लोग सोचते हैं भक्त वही हैं जो साधु हैं, जो संत हैं या जो ज्यादा भजन करते हैं। एक बार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी से किसी व्यक्ति ने पूछा, भक्त कौन है? बोले जिसके मुंह से एक बार भी धोखे से कृष्ण नाम निकल गया हो वो भक्त है। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, क्या इससे भी श्रेष्ठ कोई स्थिति होती है? अरे एक नाम लेने वाला तो चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, लुटेरा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो श्रीमद् महाप्रभु जी ने कहा, एक बार भी कृष्ण नाम जिसके मुंह से निकल गया वो भक्त है, और जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलता रहता है वो उससे श्रेष्ठ भक्त है, और जिसके दर्शन मात्र से तुम्हारे मुंह से भगवान नाम निकलने लग जाए वो सर्वोत्तम कोटि का भक्त है। ऐसी ऐसी जो स्थितियां होती हैं कि भक्तों के आप संसर्ग में जाओ, उनके संपर्क में जाओ, उनके पास बैठो, उनकी थोड़ी देर उनके चरण शरण में बैठने मात्र से ही हृदय में प्रेम का आविर्भाव हो जाता है, हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। अरे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी थे, जिस समय हरि बोल कहकर नाचते हुए झारखंड के जंगलों में जा रहे थे, उनका दुपट्टा अगर शेर को भी स्पर्श कर लेता था वो शेर भी हरि बोल कहकर नाचने लगता था। किसी हाथी को उनकी हवा लग जाती थी वो हाथी भी हरि बोल कहकर नाचने लगता था। इतनी शक्ति होती है भक्तों के अंदर, इतना प्रभाव होता है। किसी तरह उनके संपर्क में भी आ जाओगे, उनके दो मिनट पास भी बैठ जाओगे तो हृदय की वृत्तियां बदलना शुरू हो जाती हैं, हृदय में परिवर्तन होने लग जाता है। इसलिए एक नाम लेने वाला भी